दोस्तों, अगर आप एक सीएससी बेली हैं, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं, तो आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप लोग नए किसानों का पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन आप किस प्रकार से करेंगे, क्योंकि देखिए सीएससी के माध्यम से पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन है वह अब चेंज हो चुका है। अब जो है न्यू तरीके से पीएम किसान का जो रजिस्ट्रेशन वो हो रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम आप सभी को स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि आप किस प्रकार से अपने सिस्टम के माध्यम से किसानों का नया पंजीकरण कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत। तो इसके लिए दोस्तों आपके पास बायोमेट्रिक का होना बेहद ज़्यादा जरूरी है, तभी आप किसानों का नया रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने सीएससी और आईडी पासवर्ड से पीएम किसान की ऑफिशियल पोर्टल में लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपका जो इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो है नए फार्मर का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, यानी कि नए किसानों का पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको देखिए फार्मर रजिस्ट्रेशन का आपको एक ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको फार्मर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। और एक बात ध्यान रहे कि आज की डेट में जो है अभी फ़िलहाल आजकल में जितने भी लोग पीएम किसान के तहत सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं नए नए किसानों का, उनका तो इंस्टेंट यानी तुरंत ही एप्लीकेशन भी अप्रूव्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसा फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको कस्टमर का आधार नंबर डालना है। जो भी पीएम किसान का अभ्यर्थी आया हुआ है पीएम किसान रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उसका आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, फिर आपको सर्च कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है एंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। अब यहाँ पर जैसे आपने नंबर डाल दिया, आधार नंबर डालने के बाद सर्च पर क्लिक करेंगे, तो आप जिस भी किसानों का पीएम किसान के तहत जो है उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो उनको सबसे पहले बता देना है कि आप लोग को अपने आधार में मोबाइल नंबर जरूर एंटर रजिस्टर्ड करवा के रखें, ठीक है। उसके बाद आपको उनका जो है मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे डालना है, फिर आपको गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से हमने आप यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दिया है, और जैसे ही गेट मोबाइल ओटीपी पर सबमिट कर देते हैं इस प्रकार से, तो आपने जिस भी मोबाइल नंबर को वहाँ पे डाला है उस नंबर पर वह एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से वो ओटीपी आ चुका है, ओटीपी आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। चलिए हम यहाँ पे ओटीपी को फिलअप कर लें और यहाँ पे हम सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे जो है आपके सामने कुछ इस प्रकार से ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा कैप्चर फॉर ईकेवाईसी, कैप्चर फॉर ईकेवाईसी बाय मॉर्फो डिवाइस, कैप्चर फॉर ईकेवाईसी मंत्रा, कैप्चर फॉर ईकेवाईसी मंत्रा IRISV2, और यहाँ पे कैप्चर फॉर ईकेवाईसी बाय एरेटेक डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास इनमें से जो भी आपके पास डिवाइस है, फिंगरप्रिंट डिवाइस है, उसको आपको यहाँ से अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। अगर अभी तक आपने पीएम किसान पोर्टल के तहत अपने बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने सिस्टम के साथ जो है सेटिंग नहीं की है, तो उसका मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है। तो आप लोग जाकर सबसे पहले उस वीडियो को जरूर वॉच कर लें और अपने बायोमेट्रिक की सेटिंग अपने सिस्टम के साथ कनेक्टेड अच्छे से कर लें, ताकि आपको जो है पीएम किसान ईकेवाईसी करते हुए या फिर पीएम किसान के तहत सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन करते हुए तो आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, ठीक है। तो आपको सेटिंग कर लेने के बाद फिर आपको जो है अपने आपका जो भी डिवाइस है, आपको जैसे मान लीजिए आपका मॉर्फो डिवाइस है, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक कर देते ही आपकी जो डिवाइस में लाइट जलेगी, तो आपको कस्टमर को वहाँ पे फिंगर या फिंगर रखवाना है। फिंगर लग जाने के बाद आपका ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, और कंप्लीट होने के बाद फिर आपका जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल के आ जाएगा, जहाँ पर किसानों का पर्सनल डिटेल्स वगैरह मांगी जाएगी, जिनमें कि उनका खेत की जो रसीद होती है उसमें लाइन और लॉन्ग रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसको भी आपको डालना मैंडेटरी है, ठीक है। बाकी किसानों का अकाउंट नंबर, IFSC कोड, और उसके बाद साथ साथ ही उनका आधार कार्ड नंबर भी वहां पे मांगा जाएगा, और मोबाइल नंबर वगैरह। तो सारी जानकारी आपको फिर अच्छे से फिलअप करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों जो अगर आप CSC से कर रहे हैं तो फिर आपको जो है उसके लिए पेमेंट कटाना होगा, तो पेमेंट भी आप में पेमेंट पे क्लिक करके पेमेंट वगैरह कटवा देंगे, और उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, और उनको एक रसीद निकाल कर उन कस्टमर को आप दे देंगे, ठीक है। बस आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे समझ गए होंगे, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।